कहा जाता है कि शादी एक प्यार का एक ऐसा पावन बंधन है जिसे करने की कोई उम्र नहीं होती। वहीं बॉलीवुड की आजकल कई ऐसी अभिनेत्रियां जो शादी को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। बॉलीवुड में कुछ ऐसी हैं जो अपने करियर पर फोकस कर रही हैं, वहीं तो कुछ ने बड़ी उम्र में शादी रचाई। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने बुढ़ापे में शादी का लड्डू खाया। आइए देखिए ऐसे स्टार्स जिन्होंने बढ़ती उम्र में शादी रचाई। इस लिस्ट में पहला नाम एक्ट्रेस नीना गुप्ता का आता है। फिल्म बधाई हो बुढ़ापे में प्रेग्नेंट होकर नीना जितना शर्माती है, असल जिंदगी में वो उतनी ही अलग है। 80 के दशक में नीना वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के कप्तान विनियन रिजर्ट संग लिव इन में रहती रही और प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद नीना को लेकर कई कहानियां लिखी गई, पर एक्ट्रेस घबराई नहीं। नीना ने विवियन के प्यार को अपनी कोख में पाला और बिन बिहाई एक बेटे की मां बन गई। इस बेटी का नाम मुसाबा गुप्ता रखा। मसाबा आज फैशन डिजाइनर हैं, लेकिन जब 49 साल की नीना गुप्ता ने शादी करने का मूड बनाया तो हर कोई चौंक गया। साल 2008 में उन्होंने अमेरिका में दिल्ली के सीए विवेक मेहरा से चुपचाप शादी रचाई। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम आता है टीवी से लेकर फिल्मों में अपने एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली सुहासिनी मुल्ले ने 61 की उम्र में शादी रचाई। इन्होंने 60 साल की उम्र में साल 2011 में एक सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर अतुल गुत्रू से शादी कर ली। उसी साल वो रिटायर हुए थे। कहा जाता है कि शादी से पहले वो किसी शख्स के साथ 1990 तक लिव इन रिलेशनशिप में रही, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। वहीं इसमें अगला नाम आता है कबीर बेदी का। इंडस्ट्री में एक्टर कबीर बेदी के अफेयर्स की खबरें आम थी। प्रवीण बॉबी से उनके अफेयर की खबरें आम हुआ करती थी। कबीर बेदी ने 70 साल की उम्र में अपनी ही दोस्त प्रवीण दुसान से 2016 में शादी रचाई। बता दें कि प्रवीण कबीर बेदी से उम्र में 28 साल छोटी हैं। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम आता है उर्मिला का। रंगीला गर्ल ने ग्लैमर की गलियों में अपनी अदाओं से खूब तूफान मचाया था। उर्मिला ने 43 की उम्र में शादी करने का फैसला करते हुए अपने 9 साल छोटे मोहसिन अख्तर मीर से शादी रचाई। वहीं अगला नाम आता है संजय दत्त का। एक्टर संजय दत्त ने मान्यता से शादी करके सबको चौंका दिया। 2010 में संजय दत्त और मान्यता दो जुड़वा बच्चों के माँ बाप बन गए। इस दौरान संजय दत्त ने सजा भी झेली और मान्यता का सहारा उन्हें मजबूती देता रहा। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर।